ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है ड्रू मैकइंटायर के लिए स्पेशल वीडियो, जहां पर हम उनकी स्टार्टिंग की बातें करेंगे कि कैसे उनका पहले मोमेंटम हुआ करता था और अभी के टाइम पर ड्रू मैकइंटायर का क्या कुछ मोमेंटम है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लोग एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि भाई वॉच टाइम के लिए कह रहा हूँ, अगर आप लोग एंड तक नहीं देखोगे फिर आप लोग कहोगे भाई तू क्या बोल रहा है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 या 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर की। तो स्टार्टिंग में जब ड्रू मैकइंटायर आए थे WWE के अंदर, तो उनका मोमेंटम एज अ हील सुपरस्टार था, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर की रॉयल रंबल जीतने की। तो मैकइंटायर ने जीती रॉयल रंबल, उसके बाद उनको मैच मिला ब्रॉक लेसनर से, जहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया और वो बन गए थे न्यू WWE चैंपियन। और उसके बाद से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बस फर्क इतना था कि मैकइंटायर के पास उस टाइम पे ऑडियंस नहीं थी, जो कि उनकी काफ़ी बेकार बात थी। और अभी WWE फैंस यही चाह रहे हैं कि मैकइंटायर को चैंपियन बनाओ और हम लोग उन्हें काफ़ी तगड़ा सपोर्ट देंगे। और मैकइंटायर की जर्नी काफ़ी बढ़िया रही, रॉलिंस के साथ फ्यूड हुई, एज स्टाइल्स के साथ फ्यूड हुई, सबसे तगड़ी फ्यूड थी रैंडी ओटन के साथ। और भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूवमेंट्स दिए एज अ WWE चैंपियन। और इसके बाद वो अपनी चैंपियनशिप को हार गए थे जब मिज ने मनी इन द बैंक को क्वेश्चन किया था, वे लैशली चैंपियन बने थे। और उसके बाद मैकइंटायर कभी भी WWE चैंपियन नहीं बन पाए। और उसके बाद लैशली के साथ फ्यूड हुई थी, जहां पर हम सभी कह रहे थे कि भाई अब मैकइंटायर को हटाओ इस पिक्चर से। और उसके बाद मैकइंटायर की फ्यूड चली जिंदर महाल के साथ, जिसकी शायद किसी ने केयर की होगी, जहां पर मैकइंटायर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बुक किए गए थे इस फ्यूड में। हालांकि महाल को यार थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था, तो इसकी भी किसी ने केयर नहीं करी। और फिर उसके बाद रॉ पर थोड़े बहुत मैचेस हुए और महाल को ड्राफ्ट कर दिया गया स्मैकडाउन के अंदर। अब मैकइंटायर आते हैं स्मैकडाउन के अंदर, तो क्या देखने को मिलता है, हम लोग सोच रहे थे कि भाई रोमन के सामने आएंगे फ्यूड होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैकइंटायर के मैच स्टार्टिंग में रिकोशे वगैरह के साथ हुए, जहां पर मैकइंटायर ने विक्ट्री हासिल कर ली। और उसके बाद उनकी फ्यूड किससे चली, हैप्पी कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस, मैडकैप मॉस के साथ D1 में मैच हुआ, जहां पर ड्रू मैकइंटायर ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। और उसके बाद रसल मीना में हैप्पी कॉर्बिन से मैच हुआ, जहां पर मैकइंटायर ने विक्ट्री हासिल कर ली। और फिर से हैप्पी कॉर्बिन के साथ थोड़ी बहुत फ्यूड हुई और उसके बाद मैकइंटायर एंड हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस की फ्यूड एंड हो गई। और उसके बाद हम लोग क्या सोच रहे थे कि अब तो फाइनली मैकइंटायर आएंगे रोमन के सामने, और वो आए भी, चैलेंज भी किया। और क्लैश ऑफ द कैसल के लिए ड्रू मैकइंटायर ने ऑफिशियली चैलेंज भी कर दिया है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि रॉलिंस चैंपियन बने और दूसरी तरफ है लेसनर। तो एक एक टाइटल अगर हम दोनों इन दोनों सुपरस्टार्स को दे दें तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है मैकइंटायर के लिए। और आप लोग कहोगे कि भाई लेसनर को मत दो, मैकइंटायर को दे दो, तो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि लेसनर का स्टॉक थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है WWE के अंदर, वो वाले लेसनर अब नहीं देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले देखने को मिलते। तो अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लाओ तो आप लोग ये भी तो सोचो, अगर लेसनर को इस बार भी WWE ने टाइटल नहीं दिया तो क्या सीन हो जाएगा, उनका तो पूरा कैरेक्टर ही पूरा बेकार हो जाएगा। फिर ब्रॉक लेसनर किस बात के ब्रॉक लेसनर रहेंगे कि वो कभी भी टाइटल कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, बी चीज़ मनी इन द बैंक की भी है, तो मनी इन द बैंक भी कोई भी कैश इन कर सकता है। तो यहाँ पर एक टाइटल अगर शायद रॉलिंस को दे दें, एक टाइटल अगर लेसनर को दे दें, तो मैकइंटायर के लिए मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बच रहा है। और हाँ, समर स्लैम होना है तो भाई उसके पहले क्या पता मनी इन द बैंक कैश इन हो जाए। और क्लैश ऑफ द कैसल सेप्टेम्बर में होने वाला है, तो भाई वहाँ पर तो रोमन रेंज से लड़ेंगे ही नहीं ड्रू मैकइंटायर। अब क्या पता WWE एक टाइटल बचा के रखे रोमन रेंज के पास कुछ टाइम तक और एक टाइटल ड्रॉप कर दे, क्योंकि एक तो जाना है यार मंडे नाइट रॉ पर। तो मे बी रॉलिंस वो बंदे होंगे जो कैश इन करेंगे, या फिर कोई और सुपरस्टार, जिसके चांसेस लग तो नहीं रहे हैं, क्योंकि यार रॉलिंस एंड लेसनर इन्हीं दोनों की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और अगर तीसरे बंदा ले लें तो वो साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर ही हैं। लेकिन अगर एक एक चैंपियनशिप दोनों बंदों के हाथों में चली गई तो मैकइंटायर का क्या कुछ रोल होगा। तो भाई मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर को अभी फिर से थोड़ा थोड़ा और बिल्ड करना चाहिए। हालांकि उनके पास मोमेंटम तो है, लेकिन WWE उनको मेन इवेंट के सिनेरियो में नहीं डाल रही है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ड्रू मैकइंटायर का थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ रहा है। और पहले के मैकइंटायर को क्या मिलता था पॉप, और अभी के मैकइंटायर को क्या देखने को मिल रहा है कि वो स्वॉर्ड से बस चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं। मतलब पहले के मैकइंटायर क्या थे यार, और अभी के, तो WWE मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वेस्ट कर रही है मैकइंटायर को। और WWE को मेरे हिसाब से खुद भी नहीं पता है कि मैकइंटायर का क्या यूज़ करना है और क्या उनको मेन इवेंट सिनेरियो में डालना है।
और क्या मैकइंटायर के ऊपर WWE ने गिव अप तो नहीं कर दिया है? ऐसा फिलहाल मेरे हिसाब से ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि मैकइंटायर एक बड़े स्टार हैं WWE के। बाकी अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने थॉट्स। सो वेल, मेरी जज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी। अगर पसंद तो लाइक ना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।